बड़ी खबर आई, जबरदस्त जंग के बीच गाजा की मस्जिदों पर संकट मंडराने लगा, क्योंकि इसराइल ने एक के बाद एक गाजा की कई मस्जिदों को निशाना बनाया। उसने दावा किया कि हमास के लड़ाके इन मस्जिदों में छिपे हैं और मस्जिदों को लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इसराइल की सेना ने इसी वजह से गाजा की मस्जिदों पर बमबारी की। 7 अक्टूबर के बाद से इसराइल की सेना गाजा में 40 से ज्यादा मस्जिदों पर हमले कर चुकी है। हमास और इसराइल की जंग की सबसे बड़ी वजह भी यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद को माना गया। हमास ने इसराइल में जो हमला किया था उसका नाम भी अल अक्सा फ्लड रखा गया था, और अब इसराइल को शक है कि गाजा की मस्जिदें हमास की ढाल बन रही है, और इसलिए जंग के एक महीने बाद गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन के लिए घुसी इसराइल की सेना ने मस्जिदों पर हमले तेज कर दिए। इससे पहले उसने गाजा के अस्पतालों को टारगेट किया और दावा किया कि वहां हमास के कमांड सेंटर, जिसके बाद उसके निशाने पर गाजा की मस्जिदें आ गईं, जिन पर इसराइल की सेना ने धुआंधार बमबारी की और दावा किया कि हमास खुलेआम गाजा की मस्जिदों का इस्तेमाल कर रहा है और उन्हें लॉन्च पैड बनाकर इसराइल पर हमले कर रहा है। सबूत के तौर पर इसराइल की सेना ने एक ऑडियो जारी किया और दावा किया कि इस ऑडियो में हमास के लड़ाके वहां के अस्पतालों, मस्जिदों और स्कूलों के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, और इसीलिए इसराइल की सेना ने उत्तरी गाजा की मस्जिदों पर बम बरसाने शुरू कर दिए। और देखते ही देखते गाजा की 40 से ज्यादा मस्जिदों को खंडहर में बदल दिया, क्योंकि इसराइल की सेना ने खुलकर कहा कि गाजा की मस्जिदें हमास के लड़ाकों की ढाल बन रही हैं, और इसी